ओके सो हाय गाइस, दिस इज गेमिंग प्रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली पुराने वर्जन के ऊपर, पबजी मोबाइल के पुराने, बहुत पुराने वर्जन्स और वहाँ से अभी तक पबजी मोबाइल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन सब चीज़ों पे। थोड़ा थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्डेड लगेगा बिकॉज मैं ऑब्वियसली हर एक चीज़ नहीं खींचना चाहता हूँ। बहुत सी चीज़ें नॉस्टैल्जिक हैं इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो, ज़रूर से ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी पुरानी बातें आने वाली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर M4 के ऊपर 8X लगा हुआ है। सो इन सब चीज़ों के लिए जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट करी उसके लिए गाइज एक एक लाइक तो बनता है आप सबके थ्रू एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ये वीडियो। एंड हाँ, ऑब्वियसली अगर आए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना। सो या लेट्स एक्चुअली बिगिन। अब सबसे पहला शॉट तो आपने देखा था कि प्रो शॉट था जो कि इंट्रो से पहले मैंने किया था, बट यहाँ पर और भी प्रो शॉट्स आने वाले हैं 8X M4 पे, इफ़ यू गाइज रिमेंबर वो सब चीज़ें, तो यार उसके लिए एक लाइक कर दो। अब गेम बहुत पहले एक यू नो नॉर्मल फेज में थी बट स्टिल एक काइंड ऑफ बीटा फेज के अंदर थी। सो वहाँ से गेम शुरू हुआ। ये FPP का गेम प्ले मैं दिखा रहा हूँ जो कि आया था 0.5.0 के बाद, पूरा का पूरा FPP का गेम प्ले आया था। सो मैंने सोचा FPP का भी एक गेम होगा इसमें और एक TPP का भी होगा। हम देख सकते हो M4 के ऊपर 8X लगा हुआ है सप्रेसर, उस टाइम हम ज़्यादा वैल्यू देते होते थे। अगर ये बातें आप लोगों को सही लगती हैं, अगर इन बातों से आप अग्री करते हो तो आप लोगों को लाइक ज़रूर करना है। सप्रेसर को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे उस टाइम पे, कंपेंसेटर या फ्लैश हाइडर की जगह। आप देख सकते हो पिस्टल पे भी सप्रेसर लग रखा है और AR पे भी सप्रेसर लग रखा है। इफ़ यू गाइज रिमेंबर पुराने टाइम में हम अपने टीममेट्स को लैंड पर फॉलो कर सकते थे। हमारे टीममेट्स के पीछे एक हल्का सा लैंड का बटन, फॉलो का बटन आता था लैंड पर भी, जैसे अब पैराशूट में आता है। पहले ऐसा होता है कोई अगर ऑफलाइन जा रहा है तो वो फॉलो का बटन दबाकर जा सकता था। इफ़ यू गाइज रिमेंबर दैट थिंग, तो गाइज लाइक आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर M4 को आपको पता होगा हम लोग सिंगल पे चलाते थे अगर 8X होता है। कुछ कुछ लोग ऑटो पे चलाते थे बट देन सिंगल पे चलाना यू नो ज़्यादा फ्रूटफुल एंड ज़्यादा सही होता था। आप अपने टीममेट्स को व्हीकल से मार सकते थे, व्हीकल्स को उनके ऊपर लेकर जाकर आप अपने टीममेट्स को पहले वाले वर्जन्स में मार सकते। अगर आपके पास टीममेट है और वो आपको आपकी यू नो 8X नहीं दे रहा, आपको ओम नहीं दे रहा, आपको आपकी फेवरेट गन नहीं दे रहा, तो आप सप्रेसर कह रहा हूँ सॉरी, तो आप गाड़ी लेकर जाओ और सीधा उस बंदे पर चढ़ा दो। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको क्योंकि बंदा उसका डायरेक्टली नॉक ही होता था। और M24 उस टाइम पे एयर ड्रॉप में आने वाली गन होती थी। M24 पहले ज़मीन पर नहीं मिलती थी, इफ यू गाइज रिमेंबर M24 पहले एयर ड्रॉप के अंदर मिलती थी। और हेडशॉट का साइन, हेडशॉट पे रेड कलर का मार्कर थोड़ा सा छोटा होता था, जैसे अभी एक बहुत बड़ा मार्कर आता है, पहले थोड़ा सा छोटा मार्कर आता होता था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर दैट। तो मार्कर्स अभी थोड़े से बड़े आते हैं, पहले छोटे मार्कर्स होते थे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले के टाइम में मार्कर्स का हल्का सा ये डिफरेंस है, ये विजुअल डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट स्टिल हाँ डिफरेंस है तो डिफरेंस है। और पहले के टाइम में बॉट्स के नेम चाइनीज़ में होते थे बहुत सारे, अब बॉट्स के नेम इंग्लिश बॉट नेम्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट पहले बॉट नेम चाइनीज़ होते थे। पहले हम ज़रूरत से ज़्यादा एमो उठाते थे पता नहीं क्यों, एंड ज़रूरत से ज़्यादा यू नो गन का एमो अपने पास रखने का ट्राई करते थे, अपनी लूट को रेगुलेट नहीं करते थे। हम लोग कुछ भी उठाते थे, किसी भी तरीके से उठाते थे बट हमें अच्छा लगता था। पहले के टाइम पे थॉमसन जो गन है, टॉमी गन, यू नो नाम डिफरेंट होता था, थॉमसन गन, टॉमी गन, ये सब नाम नेम्स का पूरा पूरा चेंज था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर दैट थिंग। अभी आप देख सकते हो हेडशॉट पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर का आइकन आया था, लाइक रेड इश ऑरेंज इश थोड़ा सा आइकन आया था, एंड यू नो वो थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस था। और पहले के टाइम में एक और चीज़ होती थी, रूम्स में आपको कपड़े भी मिलते थे लूट के साथ साथ, इफ़ यू गाइज रिमेंबर दैट थिंग, रूम में कपड़े वगैरह मिलते थे जो कि आप उठाकर पहन सकते थे। बिकॉज पहले के टाइम में यू नो स्किन्स का ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हम लोग स्किन्स के ऊपर इतना नहीं वो होते थे कि हम लोग सीधा अगर आप इफ़ यू गाइज रिमेंबर हम लोग सीधा बाकी सब चीज़ों के ऊपर ही जाते थे कि यू नो कपड़े उठाओ, रूम में से कपड़े मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, ये सब मिल रहा है, वो सब चीज़ें रूम्स में से मिल जाती हैं, नॉर्मल रूम्स एज इन घरों में से मिल जाती थी। और इफ़ यू गाइज रिमेंबर दिस थिंग, अभी FPP में ड्राइव करते हो तो FPP की ड्राइविंग होती है, पहले FPP मोड में TPP में ड्राइव करता था आदमी, तो ये एक यू नो हल्का सा डिफरेंस होता था। इफ़ यू गाइज रिमेंबर दिस थिंग, अभी हीलिंग करने के बाद जब पेन किलर्स वगैरह लेने के बाद ये ड्राइव करेगा तो आप उसके अंदर पूरा पूरा देख पाएंगे। पहले बॉट्स ज़्यादा होते थे ऑब्वियसली क्योंकि खेलने वाले लोग कंपेरेटिवली कम थे, ये TPP ड्राइव हो रहा है FPP मोड के अंदर, पहले बहुत ज़्यादा होते थे बिकॉज खेलने वाले लोग कम थे, लेकिन हैकर्स का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम होता था। ये आप सर्कल को भी देख सकते हो, जैसे आपने सर्कल देखा
ब्लू जोन का मतलब एक ब्लू कलर का जो सर्कल होता था, ब्लू कलर अभी तो ब्लू ब्लू जोन मतलब पूरा जोन होता है जो कि सर्कल के बाहर होता है। आप लोग चाहें तो पॉज करके मैप को देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैप आएगा। पहले ब्लू जोन थोड़ा सा डिफरेंट होता था, उसके अंदर ब्लू जोन मतलब एक पूरा सर्कल होता था बस। अभी ब्लू जोन का मतलब एक पूरा जोन होता है, उसके बाद ब्लू ब्लू कलर का आपको यू नो मैप में दिखता है, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। और ये गन तो भाई हमेशा से गॉड गन रही है, इसके लिए मैंने M249 छोड़ दी थी उस टाइम पे, और M16 को सिंगल टैप पे चलाया था। उस पर भी 8x, इस पर भी 8x, उस पर 4x, मतलब यू नो ये चीज़ हम पूरा पूरा करते होते थे। और पहले लोग ऐसे मतलब बॉट्स ऑब्वियसली ऐसे लेट जाते थे, फाइनल सर्कल में बॉट्स आ जाते थे बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में थी गेम अपने, और काफ़ी ज़्यादा यू नो बढ़िया लगता था। पहले हमारी पिंग और लैग वाला जो आइकन है ऊपर, आप टॉप लेफ्ट में पबजी देख सकते हैं, उसके साइड में दिखता था, आप वहाँ देख सकते हो येलो कलर की मेरी पिंग आ रही थी अगर आप देखो तो। अभी नीचे दिखता है, बॉटम लेफ्ट में दिखता है, पहले टॉप लेफ्ट में दिखता होता था पबजी के साइड में, जहाँ पर टॉप लेफ्ट में लाइव 3 किल 16 पबजी और उसके बाद पिंक आइकन है। तो ये थोड़े से यू नो डिफरेंसेस, थोड़े से बिट ऑफ डिफरेंसेस होते थे। और पहले जब हम किसी को किल करते थे साइड में, जैसे हमारे किल फीड आ रही है, जो किल फीड का थोड़ा सा विजुअल चेंज आया है अभी पहले से अभी तक में, और ये डिफ़ॉल्ट लेआउट होता था जो कि मेरा लेआउट है। पहले यही लेआउट मतलब पहले ज़्यादातर लोग 3 फिंगर 4 फिंगर के ऊपर शिफ्ट नहीं हो, जब नए नए खेलने आए थे ऑब्वियसली इन्हीं चीज़ों को अपना कंफर्ट जोन बनाकर खेलने का ट्राई करते थे। पहले जो राइट साइड पे मैप के नीचे आपका बटन है, जिससे कि अभी आप एनिमीज हेड वगैरह करते हो, उससे पहले एनिमीज हेड वगैरह नहीं होता था, उसको दबाना पड़ता था, उसके अंदर कुछ बेसिक कमांड्स होती थी, उन्हीं को आप क्लिक कर सकते थे। एनिमीज हेड वगैरह की कमांड बाद में इन्होंने डाली, जिसको जबकि उसको टैप करके रखते हो, आप होल्ड करके रखते हो और वहाँ पर एनिमीज हेड एंड ऑल वो सब सारी कमांड होती हैं। अब आप मैप को देख सकते हो, ब्लू सर्कल एक जस्ट सर्कल होता था, एक पूरा जोन नहीं होता, उसके बाद ब्लू उसके बाहर ब्लू कलर का कुछ नहीं होता था। तो यू नो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस थे, ये सब चीज़ें थी। यानी यहाँ पर बंदा मरता है तो पहले ऐसा आपको विनिंग का वो दिखता था। अभी एक और ये TPP का मैच है, इसमें मैं आपको बताऊंगा UMP वगैरह, इफ़ यू गैस रिमेंबर। यहाँ पर UMP बढ़ी है जो कि UMP 9 होती थी। अगर आप में से कुछ लोग अभी भी UMP 9 को मिस करते तो इस वीडियो को आपको लाइक करना ही करना। UMP 9 और Vector.45 होती थी, उसके अंदर गोलियों का अमाउंट 13 डलता था वेक्टर में, और एक्सटेंडेड लगाकर 25 गोलियाँ हो जाती थी। सो वो सब चीज़ें होती थी, इफ़ यू गैस रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। तो काफ़ी सारे वो भी चेंजेस थे इस गेम के अंदर, इन इन गन्स के अंदर। और अभी हेलमेट की डिफ़ॉल्ट 2 स्किन्स मिलती है, फिर गाइस रिमेंबर ये ब्राउन वाली और वाइट वाली। पहले सिर्फ ब्राउन कलर का हेलमेट मिलता था लेवल 2 का, अभी ब्राउन और वाइट 2 टाइप के मिलते होते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग कभी कभी गेम को यू नो देखने का देखते होगे क्लोज तरीके से, तो वो सब चीज़ें होती थी। और पहले यू नो AKM का रिकॉल वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता था कंट्रोल करना, आप स्टिल लोग ट्राई करते हैं, कंट्रोल कर भी लेते हैं, तो वो भी एक चीज़ होती है। कुछ गन्स जिनका हमें रिकॉल नहीं पता होता, स्टिल हम उन पर 4x लगाकर 6x लगाकर यू नो खुद को बहुत बड़ा प्रो मान के खेलते थे। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यही सब चीज़ें ट्राई करते होते थे। और पहले US और डासिया, अभी वाली जो अभी रिसेंट अपडेट में देखो US और डासिया के थोड़े से लुक्स चेंज हुए हैं। पहले US और डासिया थोड़ी सी डिफरेंट दिखती हुई, थोड़ी सी अलग दिखती होती थी, इतना ज़्यादा सिमिलर नहीं दिखती होती थी। सो यही सब चीज़ें होती थी एक। और यही स्किन्स वगैरह की बात तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और पहले फ्लेयर गन नहीं होती थी, एक वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। और बाकी मैप्स नहीं होते थे, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, बाकी मैप्स वगैरह नहीं होते थे। सबसे स्टार्टिंग में ऑब्वियसली रैंगल ही एक अकेला मैप होता था, और आर्केड में क्विक मैच होता था, और उस क्विक मैच में ही स्नाइपर ट्रेनिंग लगता होता था, स्नाइपर ट्रेनिंग अलग से मोड नहीं था। उसके बाद जाकर आया वॉर मोड और मिनी जोन, सबसे पहले स्नाइपर ट्रेनिंग और मतलब क्विक मैच के अंदर ही स्नाइपर ट्रेनिंग वगैरह वो सब चीज़ें लगती होती थी। और एक ही मैप होता था एरेंगल का, उसके बाद आया मिरामार, उसके बाद आता है सैनोक, और सबसे लेटेस्ट इटरेशन थी विकेंडी के ऊपर। अभी हम सोच रहे हैं कि कब मिरामार 2.0, एरेंगल 2.0, ये सब चीज़ें आएंगी। और पहले एयर ड्रॉप आपको ट्रोल कर सकता था इस प्रकार से, मेरे को नहीं पता ये कैसे हुआ क्या हुआ था, बट ये कभी भी ये एक मिस्ट्री थी मेरे साथ जो हुई थी बहुत पहले के टाइम में। ये मिस्ट्री मेरे को नहीं पता क्यों कभी सॉल्व नहीं हो पाई, और वो सब चीज़ें, और ये सब पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। एंड मैं दाद देना चाहूँगा बेसिकली पबजी की, 2nd एनिवर्सरी हो चुकी है पबजी की, उसके ऊपर मेरे पे भी एक फीचर्ड वीडियो बनी थी, यू गाइस हैव सीन दैट, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पबजी मोबाइल के ऑफिशियल चैनल के ऊपर वो आपको मिल जाएगी। बट पहले के टाइम से अभी तक हमने बहुत ज़्यादा यू नो इस गेम में तरक्की करी है, इस गेम ने हमारे गेम प्लेस को बहुत ज़्यादा निखारा है, चेंज किया है, क्योंकि ये गेम वो है जो कि हम अभी भी यू नो प्यार करते हैं इस गेम से। 2 साल हो चुके हैं एंड होपफुली
आने वाले और थोड़े से साल रहेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत सारा साल रह सकते हैं, बिकॉज़ एक गेम को आपके जैसी ऑडियंस ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम बनाती है, एंड अगर आप लोग हो साथ में इस गेम के तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ आप लोग आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इस गेम के थ्रू, दोस्त बनाए हैं, ऐसे दोस्त जो कि आज भी आपके साथ हैं, आपके साथ बातें करते हैं, आपके साथ गेम खेलते हैं, आपके साथ लॉबी में बैठे रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो इस गेम के थ्रू हमें सीखने को मिली है, इस गेम के थ्रू समझने को मिली है, इस गेम के थ्रू परखने को मिली हैं, एंड अपना एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इजाफा हुआ है अपने भी गेम खेलने में। हम लोग काफ़ी ज़्यादा गेम खेलते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा गेम को पसंद करते हैं ऑब्वियसली, एंड वो एक अच्छी चीज़ है, एंड सबसे ज़्यादा बेटर यही रहता है कि इस गेम ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, या तो दोस्त बनवाए हैं या फिर हमें ये सिखाया कि कैसे खुद को मैनेज करना है। आप लूट मैनेज करते हो, आप उतरने के एरिया से लेकर के अपनी गन्स को लेकर के, अपने थ्रोएबल्स को लेकर के, अपनी फर्स्ट एड को लेकर के हर चीज़ मैनेज करते हो। सो इस गेम ने हमें बेसिकली वो सब चीज़ें सिखाई हैं, हाउ वी आर मैनेजिंग आवर सेल्व्स इन डे टू डे लाइफ, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है इस गेम के थ्रू, खुद के थ्रू, एंड ओवरऑल एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है वो ये गेम कराने में एक बहुत बड़ा हाथ देती है सच में। सो ये सब पुरानी चीज़ें होती है, अगर इसमें से कोई एक आधी चीज़ मैंने मिस करी है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिएगा, मैं देखना चाहूँगा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए हैं इस पूरे के पूरे पबजी के जर्नी में, आपकी जर्नी में भी एज सच क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें निकल कर आई हैं आपके अकॉर्डिंग, क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, और क्या क्या चीज़ें आप मिस करते हो पुराने मोड में से, वो सब चीज़ें आप बता सकते हो। एंड आपके अकॉर्डिंग, मेरे को याद है पुराने टाइम में एक मिथ होता था जो कि हम बोलते होते कि अगर आपने अपने जूते उतार दिए तो फुटस्टेप्स नहीं आएंगे, इफ़ यू गाइज रिमेंबर दैट मिथ तो बताना ज़रूर मुझे, और आपके अकॉर्डिंग और क्या क्या मिथ होते थे पबजी में, वो सब चीज़ें भी आप मेरे को बता सकते हैं कि वो ये होता था वो होता था वगैरह वगैरह, सब चीज़ें आप मेरे को बता सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपने कौन सी चेंजेस इसमें से पसंद किए हैं, कौन सी चेंजेस इन सब में से हेट किए हैं। पहले TPP FPP स्विच नहीं होता था, इफ़ यू गैस रिमेंबर, अभी TPP FPP स्विच भी आ चुका है, पहले ऐसी US दिखती थी, अभी US थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है, इसको हम Level 1 US बोलते होते हैं फॉर सम रीज़न, और पहले सर्कल के बाहर आप बहुत ज़्यादा रोते थे अगर सर्कल के बाहर थोड़ी देर भी रुक जाते थे, हर कोई बोलता है सर्कल में जाना है, सर्कल में जाना है, सर्कल के बाहर गए तो मर जाएंगे, चाहे 1 सेकंड के लिए भी सर्कल के बाहर हो, बट स्टिल हर कोई रोता था कि सर्कल के बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, ये सब चीज़ें होती थी। पहले का कॉम्बिनेशन ये होता था, आप लोग अपना बताना आपका स्टार्टिंग से अभी तक कॉम्बिनेशन कैसे कैसे चेंज हुए हैं कमेंट सेक्शन में। मैं M16 और K90 यूज़ करता था क्योंकि उस टाइम श्राउड को देखकर एक फीलिंग से आती थी कि श्राउड भी तो टैप वाली गन्स यूज़ कर लेता है तो हम भी श्राउड हैं अलग लेवल के, बट स्टिल ये सब चीज़ें रहती थी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आई हैं गेम में, तब की गेम से लेकर के अब की गेम तक काफ़ी चीज़ें नई लगी हैं, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट लगी हैं, कुछ चीज़ों को आप अडेप्ट कर पाए हो, कुछ कुछ चेंजेस को आप अडेप्ट नहीं भी कर पाए हो, बट स्टिल ये गेम से एक एक दो चीज़ें तो और काफ़ी अच्छी मिली हैं, वो है कि कंसिस्टेंसी। इस गेम ने नो डाउट कुछ फीचर्स हमें नहीं पसंद आते, बट स्टिल इस गेम ने हमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं, एंड आप लोग एट द एंड वन ऑफ दी मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस अगर मैं ये कहना चाहूँ, और जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो भी लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, दे आर वन ऑफ द प्रोएस्ट प्लेयर्स जो कि 2 साल से अभी तक स्टिक अराउंड हैं इस गेम के। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हुए जिन्होंने गेम खेलना छोड़ दिया, बट स्टिल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस इफ देयर इज। सो ये था इस पूरे के पूरे गेम की जर्नी की बात, और इसके बाद मैं स्कार उठाई बिकॉज मेरे को ऑटो गन चाहिए थी, फाइनल बंदा बचता था। ये थी पूरी की पूरी गेम की बात, गेम की जर्नी की बात। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड ऑब्वियसली खेलते रहिए ये गेम। होपफुली मैं आप लोगों को किसी ना किसी मैच में मिलूंगा आपके साथ या आपके अगेंस्ट, एंड अगर आपके अगेंस्ट मिलता तो यार टीम अप कर लेंगे और क्या। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियोस, पीस आउट, टेक केयर, बाय बाय।